हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज शाम की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या चला है, क्या सोचा है, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या उन्होंने को सोच के रखा है नेक्स्ट एक्शन को लेके। तो ये आज हम व्यूवर्स यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड तो शो करना बनता ही है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे सही गाइडेंस मिली है, सही बात आपके सामने आई है, तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को अगर आप करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है। तो बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचें और आप इन वीडियोज़ को देख सकें। चलिए सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पे एक बार और मैं शफल करती हूँ, देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस। फ्रीडम, डिवाइन साइट, ऑनेस्टी, ब्लेसिंग्स। ओके, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ओके, इंटीग्रेशन, लवर्स। गोइंग विद द फ्लो, फूल, अंडरस्टैंडिंग, एग्जिस्टेंस। बॉटम से आया है हमारे पास नथिंगनेस एंड करेज। सो व्यूवर्स, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा और मैं एडजस्ट करती हूँ। ओके ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आज की रीडिंग व्यूवर्स अगर ट्रूली मैं बताऊँ तो बहुत शांति से बैठ के देखना, और ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके दिल को अगर हिलाना दे तो कहना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले देख पा रही हूँ आपका जो पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, छोटा है, बड़ा है, नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि उसके दिल में आपके लिए आज कितना प्यार है, और वो उस प्यार को महसूस बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स इस पर्सन के साथ में आपके रिश्ते चाहे अच्छे रहे हों चाहे बुरे रहे हों, इसने आपको दुख भी दिया हो, तकलीफ़ भी दी हो, लेकिन प्यार भी तो दिया है ना, और वही प्यार आपका पर्सन इस समय आपके साथ में महसूस कर रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स एक ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जिसको आज अवेयरनेस है, किस बात की, अपनी मूर्खता की, कि इसने जाने अनजाने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ ऐसे स्टेप उठा लिए थे, कुछ ऐसे स्टेप इसने लिए थे जिसका खामियाजा आज आपका पर्सन भुगत रहा है। क्या खामियाजा है? ये कैद है, ये कैद है व्यूअर्स अपने किए हुए पास्ट की बातों में। कुछ ऐसे बंधन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकते हैं। ये पर्सन बेशक बेशक कह सकती हूँ ये आना चाहते हैं, अपनी गलती को आपके सामने भी कह रहे हैं, कहना चाहते हैं। कुछ लोग, हो सकता है आप लोगों में बातें हो रही हों, कुछ लोग की हो सकता है नहीं हो रही हों, लेकिन इस पर्सन की ऑनेस्टी गाइज यहाँ पे मुझे क्या बताती है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कहने हैं कि यार मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया, या फिर मैं तुमसे दूर होके देखो मेरा क्या हाल हो गया है। तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं था, एक ब्लेसिंग्स जो मुझे हर एक खुशी देती थी, दी है और अभी भी दे रही है। ये रिश्ता उनको खुशियाँ ही दे रहा है, आप खुशी की कुंजी हो व्यूअर्स, कुंजी ही कहूँगी क्योंकि यहाँ पे वही मुझे नज़र आया। यानी कि आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में अगर मैं देखूँ तो ये आज क्या कहना चाहते, गाना याद आ रहा है आपकी रीडिंग के लिए, और ये रीडिंग व्यूअर्स आपको
उस गाने की याद अपने आप दिला दे तो अच्छा है, अगर नहीं याद आए तो मैं आपको बता ज़रूर दूंगी। क्या है यहाँ पे, ये पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता यहाँ पे महसूस कर रहा है कि जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है कि आप चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, आप एक दूसरे से लाखों करोड़ों मील दूर क्यों ना हो, दिलों में दूरियाँ नहीं हैं। जिस तरह से आप इस पर्सन को अपना मानते हो ना, ये पर्सन भी आपको अपना मानता है। जिस तरह से आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, ये पर्सन भी नहीं रह पा रहा है। इसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यानी इसको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक तो आप एक गिफ्ट हो हेवन की तरफ से, और यहाँ पे मैं स्पेशली स्ट्रांगली ये बात बोलना चाहूँगी व्यूवर्स, आप दोनों के बीच में या तो सोलमेट कनेक्शन है, जैसे कि बने ही एक दूसरे के लिए हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे, कि मिलना तय था। बेशक समझने में देर हो गई, बेशक इस रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग में देर हो गई, आप समझे हो या फिर ये समझा हो, जो भी है, पर समझ तो यहाँ पे आई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता लेट गो किया, या फिर वक्त के साथ में उसको जाने दिया, या फिर वक्त रहते संभाला नहीं, वक्त रहते डिवाइन इंसाइड नहीं हुई। डिवाइन इंसाइड हो गई इस पर्सन को, अवेयरनेस क्या है कि जैसे कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाएं, बहुत सारे रहस्य खुल जाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएं जो आपको एहसास करा दे कि देखो तुमने कितनी गलती की है, देखो यही है वो तुम्हारा पर्सन, यही है वो तुम्हारे लिए बना हुआ पर्सन, और तुम उसको छोड़ के जा रहे थे, तुम अपने प्यार को छोड़ के जा रहे थे, तुम अपने साथ को छोड़ के जा रहे थे, तुम ऐसे पर्सन को ठुकरा रहे थे जिसको मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये है यहाँ पे एनर्जी, ठहराव आ गया है, ठहर गए हैं जब से इनको ये एहसास हुआ है व्यूवर्स कि ये रिश्ता क्या है, आप क्या हो और आप क्यों हो, क्यों इनको मिले। हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का पता हो कि ये पर्सन मुझे क्यों मिला, आप जानते हो, आप टैरो रीडिंग देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, आपको पता हो कि ये पर्सन मेरा कनेक्शन है इसके साथ में, लेकिन इस पर्सन को नहीं था बिलीव इन चीज़ों में, ये पर्सन नहीं बिलीव करता था या नहीं करती थी, लेकिन आज तो बिलीव हो गया इसको। क्यों बिलीव हुआ, एक जो एनर्जी ने व्यूवर्स वो यही दिखाती है कि अब आपका पर्सन अब फ्लो में नहीं बह रहा है। किस फ्लो में, क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हर चीज़ को जाने देते थे ऐसे ही कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, या अपने आप मान जाएगी, या अपने आप मान जाएगा, थोड़े दिन अवॉइड करो, ये एनर्जी। या फिर मेरे लिए रिश्ता नहीं है, मैं इस रिश्ते के लिए नहीं बना, मैं तो शायद इस रिश्ते के लिए बनी ही नहीं हूँ, मेरे लिए कोई और है। पहले उनको आपके साथ में कंपैटिबिलिटी फील नहीं हुई, लेकिन आज हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पर्सन की ज़िंदगी में और आपके रिश्ते में पहले क्या था, यानी कि रिसेंट पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ नहीं। आपको भी लग रहा होगा इस रिश्ते में, यार मैडम दी कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मैं मेहनत करते करते समझाते समझाते हार गया या हार गई, वो तो बात ही नहीं करना चाहता, वो तो मुझसे ऐसे दूर भागता जैसे कि पता नहीं मैं उसके लिए क्या हूँ, जैसे मेरे में कांटे लगे हुए हैं, मैं धतूरा सा बन, पता नहीं धतूरा बोलते क्या बोलते हैं, कैक्टस, हाँ कैक्टस बोलते हैं, कि जिससे हर कोई दूर भागना चाहता है। लेकिन आज उसी को व्यूवर्स देख रही हूँ ना, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मोहब्बत के फूल खिल गए हैं। और ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए है, और ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए ज़रूर वर्क करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिन लोगों से भी मैच कर जाएगी ना आज की रीडिंग, और जिन लोगों के लिए भी आई है निकल के, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ, मे बी आपको इस नंबर्स के थ्रू पता चलेगा। सबसे पहले साइन और एलिमेंट आपको बताती हूँ। एयर साइन यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ओके, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, ओके, सो वी हैव कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है, ओके, जेमिनी की एनर्जी गाइज यहाँ पे स्ट्रांग निकल के आई है, मून एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, ओके, तो ये कुछ एनर्जी है। नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट 7, 14, 6, 1, 10, 19, ओके, और 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी हमारे पास हैं, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 नंबर आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, 13 नंबर आपके लिए है, एंड 7 नंबर आपके लिए है, तो ये कुछ नंबर्स भी यहाँ पे निकल के आए हैं, ओके,
एंड यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो जो एरीज लियो सैजिटेरियस वो भी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है. एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष वृश्चिक एंड धनु राशि. ओके, तो ये कुछ राशि भी यहाँ पे निकल के आई हैं. 3 नंबर भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है. तो फिलहाल जो आया है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. ओके, तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों में से रेजोनेट कर सकती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक सर्किल यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड हुआ है और कुछ चीज़ों का नया अवेकनिंग के साथ में शुरुआत हुई है. यानी कि जो ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चल रही थी वो यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आ रही है. ओके, अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था गाना ही आपको याद आएगा, याद आया? चलो मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको याद दिला दूँ. ओके, मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ, याद आया? ये वो गाना है आपके लिए और आपका पर्सन यही कहीं ना कहीं गुनगुना रहे हैं व्यूवर्स, या फिर आपके लिए चैनल बहुत स्ट्रांगली हुआ है कि मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ, देखता हूँ जन्म तू ही तू हर जगह, नींद आती नहीं या जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना, कुछ याद आया? ये वही गाना व्यूवर्स, इसीलिए मैंने बोला था ये रीडिंग आपको हिला देगी और आप बहुत पेशेंसली होके इस रीडिंग को देखना, ये गाना आप सुनना. तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो पर्सन है आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं. जैसे कि नज़र से हटती नहीं सूरत तेरी, रात दिन तो कट जाते हैं पर उम्र तन्हा कटती नहीं, है ना, तन्हा का ही है. हाँ, उम्र तन्हा कटती नहीं, तो नहीं कट रही है भाई इनकी ज़िंदगी आपके बिना, कट ही नहीं सकती. सुकून है ही नहीं, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि ये पहचान चुके हैं अपना अपनी गलतियाँ. सुकून कैसे मिलेगा भाई, सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, इंसान सिर्फ एक एक सुकून की तलाश में मुझे भटकता हुआ नज़र आ रहा है. उसको सुकून नहीं मिल पा रहा, वो अकेला है, वो एक अकेली ज़िंदगी को जीने पे मजबूर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तो आपके साथ में ही जीना चाहता है, जुड़ना चाहता है, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा. जैसे कि कुछ फ्रीडम चाहिए उसे, किसी चीज़ से रिलीज़ होना है आपके पर्सन को, राइट, रिलीज़ होना है, फ्रीडम चाहते हैं ताकि वो वहाँ से निकल के आपके पास आ जाएं. और ये एनर्जी है यहाँ पे, बंधा हुआ है चेन से आपका पर्सन, किस बात से, कोई भी यहाँ पे कोई भी बात हो सकती, जिस जो आपके पर्सन को वो चाह के भी, जो इतना शिद्दत से आपको प्यार कर रहा है या कर रही है, जो समझ चुका है, वो आपके पास में आ नहीं पा रहा. या तो यहाँ पे करेज की एनर्जी है व्यूअर्स की, करेज कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अगर इसके अंदर आ जाए आपसे ज़रूर बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे. या कहीं ना कहीं कोई कोई मजबूरी, कोई रिश्ता, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से रोकते हैं. ओके, कुछ लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए ले लूँ. प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एक टूटा हुआ दिल है जो हील करना चाहता है अपने आप को, इस रिश्ते को. ये दिल है व्यूअर्स जो मजबूर है इस समय, दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ये पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पे यही है कि इस रिश्ते को यानी आपके दिल को भी हील करना चाहता है. जैसे कि मैंने बोला था, आपको एहसास होगा कहीं ना कहीं कि ये रिश्ता मेरे लिए, मैं पहचान गई हूँ या पहचान गया हूँ, लेकिन इस पर्सन ने नहीं पहचाना. लेकिन अब जब वो आपको कहीं ना कहीं बहुत दुख दे चुका है, इस बात का उसे गिल्ट भी है, अफसोस भी है, तनहा भी है, और सच में सुकून नहीं है. जो मैंने आपसे बोला कि सुकून है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा सुकून. और ये गाना आप व्यूअर्स, मैं आपको स्ट्रांगली आज डेडिकेट कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू, आप सुनना. और आपको ये रीडिंग उस रीडिंग उस गाने से बिल्कुल मैच करती नज़र आएगी, क्योंकि जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी ना, सडन मेरे सामने ये कार्ड शफलिंग करते हुए वो गाना आया और उसने ये आपके पर्सन की हकीकत को यहाँ पे बयां कर दिया कि वो कितना पछताया है, कितना उसको एहसास हो रहा है कि उसने आपके दिल को तोड़ा, उसने आपके दिल को चकनाचूर कर दिया, आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपकी आपकी जो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट था वो उस पर्सन ने आपका तोड़ दिया. और वही ये व्यूअर्स, आपका पर्सन उसको हील करना चाहता है. हील है, इमोशन की हीलिंग, ठीक है. यहाँ पे कोई वैसे तो नहीं हो रही है हीलिंग की, वैसा मतलब कि काट फट दिया, वैसा वैसा वाला नहीं होता. यानी हील इंसान करता है अपने शब्दों से, हील करना चाहता है वो अपने अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने इमोशन से, अपने अपनी भावनाओं से आपको.
वो आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना अपना प्यार, अपना साथ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो बस झट से एक पल में आपके पास में आ जाएं। मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है जो आपको एक पल में दूसरे पल तक पहुंचा देती है। और वही देखो इसके मन में क्या है, इसके मन में इस समय रिग्रेट है व्यूवर्स, ये वही मन है जिसने कभी आपको समझा नहीं या फिर आपके प्यार को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आज इसका मन कितना शांत है, ये मन इसका कितना तड़प रहा है व्यूवर्स आपके लिए। और मैं कह रही हूँ ना, तू यहाँ मैं यहाँ तू वहाँ, तो ये वही एनर्जी है कि मैं यहाँ और तू वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तेरे बिना अधूरा हूँ और रह नहीं पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आप उस तरफ हो, यानी कि इनसे काफ़ी दूर हो और ये आपसे काफ़ी दूर हैं, और वो एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आती है। तो ये पर्सन व्यूवर्स आपको कॉल मैसेज आज की इस रीडिंग के बेस पे अगर मैं कहूँ तो ये रह नहीं पाएंगे, ये आपको ज़रूर कॉल मैसेज करेंगे। देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए या फिर भगवान प्लीज़ सबके लिए बताएं मुझे कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनको कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, कब तक इनके पर्सन इनको कॉल मैसेज कर सकते हैं प्लीज़ आप हमें बताएं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके विद इन व्यूवर्स यहाँ पे चार घंटे के अंदर अंदर या चार दिन के अंदर अंदर आपके पास में कॉल मैसेज आना चाहिए। चार से ऊपर नहीं जाएगा, यानी दिन से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। दिन से ऊपर नहीं जाएगी ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैं वही आपके लिए बता रही हूँ। विद इन फोर आवर्स, ठीक है, टू और फोर आवर्स, टू भी आया है तो कह सकती हूँ आपके लिए, लेकिन हाँ विद इन फोर आवर्स के अंदर अंदर कॉल मैसेज आना चाहिए या चार दिन के अंदर आपके पास में मैसेज आना चाहिए, कॉल वगैरह जो भी है आपके पास में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा व्यूवर्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।